कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। निजी व सरकारी अस्पतालों में कार्यरत स्वीपर से लेकर डॉक्टर तक का डेटा मांगा गया है। वैक्सीन के लिए आधार नहीं, पैन नंबर जरूरी है। पैन नहीं होने पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करानी है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के मेडिकल कॉलेज व सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी प्राचार्य, अधीक्षक व सिविल सर्जन को यह जानकारी दी गई। सभी को कर्मियों के डेटा अविलंब उपलब्ध कराने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अलग अलग विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, अधीक्षकों और सिविल सर्जनों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। पीएमसीएच प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि उनके यहां से अब तक 3500 कर्मी व डॉक्टरों का डेटा भेजा गया है। अब वार्ड बॉय, अटेंडेंट, गार्ड व आउटसोर्सिंग स्टाफ का डेटा चाहिए। इसमें पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड मांगा जा रहा है। IGIS MS के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि सभी मेडिकल वर्कर का डेटा तैयार किया जा रहा है, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा कि आंकड़े के अनुसार ही वैक्सीन दी जाएगी। यदि किसी निजी अस्पताल का डेटा नहीं मिल पाता है तो संबंधित अस्पताल को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। ऐसे में मंगलवार तक सभी निजी अस्पतालों के कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय में डेटा उपलब्ध कराए। विशेष जानकारी के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में संपर्क करें। परेशानी होने पर 9473375733 पर कॉल कर सकते हैं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।